तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर अनदर ब्लॉग दोस्तों। क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। सो मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको लोगों को कल बताया था दोस्तों कि कल मुझे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मेरी वापस हो गई थी। आज से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों। आज 25 फरवरी है, सो आज से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो वो उठ चुकी है एकदम अच्छे से, नहा धोकर रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए। सो वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस है दोस्तों। सो वो एकदम देखिए रेडी हो चुकी है एकदम एग्ज़ाम के लिए। और अब उसके अंकल का फ़ोन भी आया था कि 5 मिनट में आ जाएगी नीचे। सो वो जाएगी नीचे अच्छे से, उसने भगवान का प्रार्थना भी कर लिया है। अभी हम लोग का भी माँ बाप का अपने पैर छूकर फिर वो जाएगी अच्छे से एग्ज़ाम देगी फुल। मुझे पूरा भरोसा है उसका एग्ज़ाम एकदम मस्त जाएगा, उसका ही नहीं सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सब ने अच्छा प्रिपरेशन करे होंगे। सो मैं भी उठ गया हूँ दोस्तों और फ्रेश वेश हो गया हूँ दोस्तों। बस अभी नहाया नहीं हूँ क्योंकि नहाना अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था कि मैं गया था नीचे। सो मैंने मशीन चालू करके आया था, सो पानी आ गया दोस्तों। तो बाबू जब जाएगी इसको छोड़ कर फिर आऊँगा, फिर मैं नहाऊँगा थोड़ा साफ सफाई करने के बाद। सो आप लोग भी बताइएगा कैसा आप लोग का दिन गया, कैसा कल आप लोग का गया नाइट। सो बाबू हमारी जाने के लिए रेडी है दोस्तों, हमारा और मेरे बिल उड़ाने का उसने पैस हुआ। सो आइए उसको हम लोग मिल के बोलते हैं ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्ज़ाम एंड अपकमिंग एग्ज़ाम। सो जाइए खूब अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। सो मैंने ऑल द बेस्ट बोल दिया दोस्तों, सो बाबू का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और एक ये है हमारी छुपी, जो मैं जब ब्लॉगिंग करने लगता हूँ तो आगे पीछे घूमने लगती है दोस्तों। और हमारे मित्रों, ये है हमारी छुपी कि आगे पीछे घूमने लगती हैं। और ये बाबू हमारी फूल एकदम तैयार हो चुकी है, बैठी है, बस इनके अंकल जी आएंगे 5 मिनट में तो ये जाएंगी। और ये हमारी जो स्नूपी है ये तो बस आगे पीछे घूमती रहती है, आप लोग से मिलने के लिए बेताब रहती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्यारी प्यारी जो कुत्ती है ये भी आप लोग से बहुत प्यार करती है। क्या बोला तूने? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाश्ता और ब्रेकफास्ट दोनों हो चुका है दोस्तों। सो अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहा है दोस्तों। सो चलिए फटाफट से चलते हैं ऑफिस, और फटाफट से चल के काम खत्म करते हैं अपने ऑफिस का। और आप लोग भी जाइए तब तक फटाफट से अपना जो भी काम करना खत्म करके, फिर हम साथ में मिलते हैं दोस्तों। तो मैं चलता हूँ अपने ऑफिस का काम करता हूँ, आप लोग जाइए एक काम कर दीजिएगा फटाफट से काम शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। सो आइए चलते हैं ऑफिस। और देखिए हमारी स्नूपी धूप में बैठ कर संवाद ले रही है, बहुत अच्छा संवाद लेती है, इसको पता नहीं क्या मज़ा मिलता है यहाँ आके अपना अकेले चुपचाप से बैठ जाती है। और सबको जो कौआ बिल्ली बिल्ली रहता है सबको भोगती रहती है। सो आइए चलते हैं, बाबू तो गई अपना स्कूल, एग्ज़ाम उसका चालू हो गया होगा अच्छे से, वो कर रही हूँ पेपर। हम भी चलते हैं अपने ऑफिस और अपना काम अच्छे से करती है, फिर आप लोग से मिलते हैं। तब तक लिए आप लोग टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. कितनी कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। फाइनली मैं ऑफिस से काम कर अपने घर पर आ चुका हूँ दोस्तों। और मेरी बिल्लू रानी कई दिन से मुझसे बोल रही थी शॉपिंग करने के लिए, सो फाइनली आज मैं काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ, नहीं तो हमेशा अंधेरे में रात में आता था। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पर। अभी बिल्लू रानी मेरी शॉप पे हैं, सो उनका फ़ोन आया था, वो अभी आ रही हैं, सो आएंगी। तब तक मैं चलता हूँ कुछ खा लेता हूँ अंदर, क्योंकि मुझे भूख लगा है। और ये देखते हैं अंदर चल के बाबू क्या कर रही है, क्या मस्ती मजाक कर रही हैं वो, क्या क्या वो गुल खिला रही हैं। अंदर चल के फिर हम लोग देखते हैं। सो आइए चलते हैं अंदर। सो अंदर आ गए हम लोग, अंदर चलते हैं। सो आ चुके हैं अंदर कमरे में दोस्तों। सो ये बाबू टीवी देख रही हैं और अपना मन रिलैक्स मूड में है, एकदम रिलैक्स मूड में है हमारी बाबू। और हमारी स्नूपी भी एकदम बढ़िया से सोई थी, अब उठ गई है, एकदम एक्टिव हो चुकी हैं हमको देखकर, वो थोड़ा डंड बैठती भी करती हैं। और बाबू जो हमारी एकदम अच्छा एक देख रही हैं। सो बताइए आज का एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा गया एग्ज़ाम आज का? देखिए बोली बहुत अच्छा, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत, शाबाश। इसी तरह और अच्छा एग्ज़ाम करते रहिए और अपना और मेरे YouTube फैमिली का नाम रोशन करते। तो बनारस का फेमस दाल मंडी मार्केट, आइए मैं आप सभी को छोटा सा टूर कराता हूँ।
फाइनली मित्रों, मेरी बिल्लो रानी ने काफ़ी ढेर सारे सूट के डिज़ाइन देखने के बाद ये वाला सूट डिज़ाइन अच्छा सेलेक्ट किया मैंने, जो कि इसके कपड़े का क्वालिटी कितना सॉफ्ट है दोस्तों, और अच्छा भी लग रहा है कलर देखने में। और फिर हम लोग गए नेक्स्ट दुकान पर, वहाँ से हम लोग एक और कुर्ती का कपड़ा लिया और पैंट के कपड़े लिए दोस्तों, और इसके अंदर नहीं हम लोग ने ले लिया अपना सामान। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मेरे मित्रों, हम लोग आ चुके हैं साड़ी के शोरूम में, और ये है लक्ष्मी साड़ी घर, जो कि आपका प्रदर्शन चौराहे पड़ता है। तो मेरी बिल्लो रानी ने काफ़ी ढेर सारा साड़ियाँ देखी, आप लोग के सामने दिख रहा पड़ा है। सो फाइनली उन्होंने एक साड़ी पसंद का सारा शॉपिंग हो गया दोस्तों, अब फाइनली चलते हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। मित्रों, हम लोग का शॉपिंग हो चुका है, फाइनली डन। अब है बहुत ज़्यादा हम लोग ने शॉपिंग कर लिया है दोस्तों, तो फाइनली अब चल रहे हैं हम लोग कुछ खाने पीने के लिए। और ये है दशाश्वमेध चौराहा, जो कि जहाँ सामने जाता है दशाश्वमेध घाट पर। गाइस, यहाँ पर देखिए कितना सारा भीड़ है। अभी तो धीरे धीरे समय 8:30 होने वाले हैं, 8:39 होने वाले हैं दोस्तों, तो इसलिए भीड़ कम होगी, लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और इसी तरह हमेशा रहती है दोस्तों। तो आप लोग भी आइए एक बार, जरूर घूमिए काशी में, बहुत मज़ा है। हम लोग आ चुके हैं ठंडे की दुकान पर, अब यहाँ से ठंडे पी कर फिर हम लोग चलेंगे खाना खाने के लिए। तो आइए ठंडे पीते हैं। गाइस, चेतगंज चौराहे पे, और ये है सामने गर्मा गर्म रोटी बन रहा है दोस्तों। सो हम लोग यहाँ से अब रोटी लेके चलेंगे घर, मेरी बिल्लो रानी ने ऑलरेडी सब्जी पैक। मित्रों, हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर, और ऊपर आ चुका हूँ मैं गाड़ी वाड़ी रख कर, और कुछ और शॉपिंग हमने किया, और खाना को मैंने जो डिनर था हम लोग का वो मेरी बिल्लो रानी ने बनाई थी, क्योंकि हम लोग तो शॉपिंग ही कर रहे थे। अब बाबू घर पर अकेली थी और हमारी स्नूपी, सो हम लोग बाहर से ही कुछ सामान खाने का पार्सल लेते हैं घर पर। सो घर पे आने के बाद बाबू जो है अपने ड्रेस को, जो कि बहुत ही ऑसम ड्रेस है दोस्तों, मैं आप लोग को अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो सरप्राइज़ है। और मेरी बिल्लो रानी में भी जो ब्लैक रंग की साड़ी ली है वो एकदम गजब लग रहा है, एकदम सुंदर लग रहा है, क्या मैं बताऊँ कि उसमें एकदम वो अप्सरा लग रही है। सो वो भी मैं सरप्राइज़ दूँगा दोस्तों, उसको भी मैं बाद में दिखाऊँगा, क्योंकि अभी तो मिला भी नहीं है। सो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा किसने किसने होली का शॉपिंग कर लिया है। सो मैंने तो अभी थोड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा बाकी है। सो चलते हैं दोस्तों, काफ़ी शॉपिंग करने के बाद बहुत ज़ोरों का भूख लग गया है। सो चलते हैं अपने डिनर को निकालते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं। आप लोग भी जाइए अपने अपने खाने को एंजॉय कीजिए, और कल मिलते हैं संडे को। गाइस, संडे को कल हम लोग स्पेशल बनाते हैं, तो तब तक के लिए जाइए आप लोग अपने खाने को, अपने नाइट को एंजॉय कीजिए। मैं भी चलता हूँ अपने खाने को एंजॉय करता हूँ दोस्तों, और आप लोग एक काम करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सो चलते हैं, आप लोग से लेते हैं अलविदा। सो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं। मज़ा आया।